कुछ साल पहले हमारी साथी स्वाति ने बेनजीर भुट्टो की किताब डॉक्टर ऑफ द ईस्ट से एक बड़ा रोचक किस्सा ढूंढकर निकाला था। बात यह तब की है जब बांग्लादेश युद्ध के बाद शिमला में भारत और पाकिस्तान समझौते की मेज पर आमने सामने आए। 2 जुलाई 1972 की शाम इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो बंद कमरे में एक मीटिंग कर रहे थे। बाकी सब फाइनल हो गया था सिवाय एक चीज के। भारत की मांग थी कि कश्मीर में संघर्ष विराम रेखा को नियंत्रण रेखा नाम दे दिया जाए। अब भुट्टो को यह डर था कि कश्मीर का जिक्र होते ही पाकिस्तान में हंगामा हो जाएगा। कश्मीर मुद्दे पर बातचीत पटरी से उतरने लगी थी। फिर देर शाम इंदिरा और भुट्टो के बीच 1 घंटे की मीटिंग हुई। मीटिंग पूरी होने के बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन का एक मेंबर बाहर आया और बोला, मुबारक हो, बेटा हुआ है। दरअसल ये खुशखबरी का कोड वर्ड था। पाकिस्तान की नहीं मानी जाती तो कहा गया होता बेटी हुई है। माना जाता है कि शिमला समझौते में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। युद्ध के दौरान जो भी जमीन खोई थी उसने वो वापस मिल गई उसे। साथ ही वो भारत से अपने 93,000 सैनिक भी वापस लेने को या उनको छुड़ाने को राजी हो गया जो युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए थे। तब से लगातार ये सवाल उठता रहा कि भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा क्यों किया? क्या भारत इन युद्ध बंदियों के बदले कश्मीर मसले को हमेशा के लिए सुलझा नहीं सकता था? इंदिरा गांधी जैसी ताकत पर प्रधानमंत्री ने हाथ में आया अवसर जाने क्यों दिया? वक्त बेवक्त इन सवालों के जवाब मांगे जाते हैं। मसल कहा जाता है कि सोवियत संघ का भारत पर बड़ा प्रेशर था, एक ये जवाब प्रेजेंट किया जाता है। फिर और जवाब भी हैं, इंदिरा पाकिस्तान को उस हद तक नहीं धकेलना चाहती थी जहां दोनों देशों के बीच आगे का कोई रास्ता न बचे, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग इसके पीछे पीएन हक्सर का नाम भी बताते हैं। हक्सर के दिमाग में विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साय की संधि थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ये संधि जर्मनी के लिए इतनी अपमानजनक थी कि कहते हैं कि इसी वजह से दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ी। हक्सर का मानना था कि शिमला समझौते में पाकिस्तान को इतने घुटने टिका देने के लिए नहीं बाध्य करना चाहिए कि वही चीज आगे चल के एक दूसरे युद्ध की वजह बने। आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे एक दूसरे नजरिए से। इस नजरिए के पीछे एक किस्सा। किस्सा वो कि जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की मंशा जानने के लिए एयरपोर्ट पर भेजा एक जासूस। क्या थी पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। दिसंबर 1971 भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली दिनों में से एक। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। देश में जश्न का माहौल था। सड़क से संसद तक इंदिरा गांधी की जय जयकार हो रही थी। इस बीच हालांकि इंदिरा के सामने तीन बड़ी समस्याएं थी। युद्ध का वित्तीय बोझ था, पूर्वी पाकिस्तान से आए रेफ्यूजीज की समस्या का समाधान खोजना था और पाकिस्तान के 93,000 युद्ध बंदियों का प्रश्न भी था। जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से इन युद्ध बंदियों को तमाम सुविधाएं प्रदान की जानी थी, लेकिन ये एक वित्तीय बोझ भी था जिसका जल्द से जल्द निपटारा करना जरूरी था। 93,000 लोगों को आपको रखना है और उनको जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से ट्रीट करना है, उसमें पैसे भी तो खर्च होंगे फैसिलिटीज में। ये सब समस्याएं अपने आप में काफी बड़ी थी, लेकिन इंदिरा इस समय इन सब के बारे में सोच नहीं रही थी। उनकी नजर दूर पाकिस्तान में जेल में कैद एक शख्स पर टिकी थी, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ये पाकिस्तान की एक जेल में बंद थे तब। फांसी की सजा पहले ही मुकर्रर इनकी हो गई थी, बस फाइनल तारीख तय होनी थी। जेल के कमरे में उनके ठीक सामने एक 6.5 फुट की कब्र खुदी हुई थी जिसके ऊपर लटकी थी एक रस्सी। यानी पाकिस्तानी फौज ने पूरा इंतजाम करके रखा था। मुजीब को हर समय दिखाया जा रहा था कि उनका आखिरी अंजाम क्या होने वाला है। मुजीब की रिहाई भारत के लिए बहुत जरूरी थी। बांग्लादेश को आजाद कराना भारत की निसंदेह सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा नेता अगर वक्त पर बांग्लादेश की डोर न संभाल पाता तो बांग्लादेश पैदा ही होता और अनाथ हो जाता। तब बांग्लादेश भारत के लिए उपलब्धि न होकर एक नई मुसीबत बनता जो पाकिस्तान में हुआ। इसलिए इंदिरा किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द मुजीब की रिहाई चाहती थी ताकि वो उस देश को एंकर करें जो नया देश है। इंदिरा ने यह बात अपनी किचन कैबिनेट के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को बताई, RNAW के चीफ रामनाथ काव। RNAW की मशीन अपने काम में जुट गई। उधर पाकिस्तान में घटनाक्रम तेजी से बदलने लगा। भारत के हाथों मिली हार, आधी से ज्यादा जमीन का हाथ से निकल जाना पाकिस्तानी रहनुमाओं के लिए शर्म की बात थी। अब सर गिराए जाने थे तो गिराए जाने लगे। याया खान ने तुरंत जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। पाकिस्तान का होने वाला अगला राष्ट्रपति इस समय न्यूयॉर्क में था।
यूएन में भुट्टो की तमाम कोशिशें बेनतीजा रही थी। अब वो पाकिस्तान लौटने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच उनके पास पाकिस्तान से कॉल आया। पाकिस्तान की बागडोर उनके हाथ में दी जा चुकी थी। भुट्टो ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इत्तला कर दी और वॉशिंगटन से रावलपिंडी की एक फ्लाइट में बैठ गए। वो रावलपिंडी से पहले फ्लाइट को बीच में लंदन में रुकना था। इधर पाकिस्तान में इंदिरा पल पल की खबरें ले रही थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि भुट्टो पाकिस्तान लौट रहे हैं, उन्होंने तुरंत अपनी वॉर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। साउथ ब्लॉक में हुई इस मीटिंग में इंदिरा ने दो टूक पूछा कि भुट्टो के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त हमारी तरफ से वहां कौन मौजूद रहेगा। अब सवाल ये कि इंदिरा को भुट्टो की हीथ्रो लैंडिंग में इतना इंटरेस्ट क्यों था? हीथ्रो लंदन का एयरपोर्ट है। दरअसल इंदिरा को सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए था कि भुट्टो के मन में क्या है, मुजीब को लेकर उनका ख्याल क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से भारत का अगला कदम तय होता। इस मीटिंग में विदेश मंत्रालय में पॉलिसी प्लानिंग के हेड दुर्गा प्रसाद धर, आरएनएडब्ल्यू के चीफ आरएन काओ, इंदिरा के मुख्य सचिव पीएन हक्सर और विदेश सचिव टीएन कॉल मौजूद थे। मीटिंग में किसी ने इंदिरा को मुजफ्फर हुसैन का नाम सुनाया। हुसैन पूर्वी पाकिस्तान की सरकार में चीफ सेक्रेटरी होते थे और इस समय युद्धबंदी कैंप्स में रह रहे थे। हुसैन को रातों रात दिल्ली बुलाकर डीपी धर के घर पर ठहराया गया। हुसैन को मिल रहे इस वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह थी उनकी पत्नी लैला हुसैन। उनकी और भुट्टो की पुरानी दोस्ती थी। युद्ध की शुरुआत से लैला लंदन में अटकी हुई थी। शशांक बैनर्जी तब लंदन में भारतीय डिप्लोमेट के तौर पर काम कर रहे थे। बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम पर उन्होंने किताब लिखी है, मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश लिबरेशन एंड पाकिस्तान अ पॉलिटिकल ट्रीटाइज। शशांक बताते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी मिली कि वो लैला को भुट्टो से मुलाकात करने के लिए मनाएं, ताकि लैला भुट्टो के मन की बात जान सकें। इसमें लैला का निजी हित भी शामिल था। वो किसी तरह अपने पति की रिहाई चाहती थी। शशांक किसी तरह मीटिंग फिक्स कराने में सफल हो गए। भुट्टो का प्लेन लैंड हुआ और वो हीथ्रो के वीआईपी लाउंज में गए। शशांक भी वहीं पे मौजूद थे। शशांक लिखते हैं कि लैला और भुट्टो के बीच दो पुराने दोस्तों की तरह मुलाकात हुई भी। हालचाल पूछा गया, शशांक चुपचाप एक तरफ थे। इस बातचीत से विरक्त उनकी दिलचस्पी सिर्फ एक बात जानने में थी कि क्या भुट्टो मुजीब की फांसी को बरकरार रखने वाले हैं या कोई अभी स्कोप है। शशांक बताते हैं कि कुछ ही देर में लैला हुसैन ने मुद्दे की बात उठा दी। उन्होंने भुट्टो से अपने पति की रिहाई की गुहार की। भुट्टो इन सब पैंतरों से वाकिफ थे। उन्होंने जल्दी भांप लिया कि लैला पूछने क्या आई है और उन्होंने कह दिया कि वो भारत सरकार की पैरवी करने के लिए आई है, ऐसा लग रहा उन्हें। इसके बाद एक माहिर खिलाड़ी की तरह भुट्टो ने अपनी आंखों की चमक से बात ही पलट दी और इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देर बाद वो लैला को एक किनारे ले गए और चुपके से उनसे कहा कि लैला मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं तुम मिसेज इंदिरा गांधी की तरफ से मुझसे मिलने आई हो, मेरा एक संदेश उन तक पहुंचाना। पाकिस्तान में जिम्मेदारी संभालते ही मुजीब रिहा कर दिए जाएंगे। बदले में मुझे जो चाहिए वो किसी और जरिए से मैं उन तक पहुंचा दूंगा, अब तुम जाओ। लैला ने संदेश शशांक तक पहुंचाया और वहां से एमएसएस डायरेक्ट इंदिरा गांधी तक पहुंचाया, प्राइम मिनिस्टर तक। भुट्टो की बात सुनकर इंदिरा कुछ संतुष्ट हुई कि मुजीब छूट जाएंगे, लेकिन ये बात अभी बैक चैनल तक सीमित थी। क्या भुट्टो भारत को फुसलाने की कोशिश कर रहे थे? इंदिरा इस खबर की पुष्टि भी चाहती थी कि भाई जो मुझे सुनाई आ रहा है उसमें सच्चाई कितनी है। उन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए पाकिस्तान से संपर्क साधा। घंटों के भीतर पाकिस्तान की तरफ से इस खबर की तस्दीक कर दी गई। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ था कि मुजीब के बदले भुट्टो भारत से क्या चाहते हैं। शशांक लिखते हैं, कुछ रोज बाद इंदिरा ने अपनी कैबिनेट के एक सदस्य को बताया कि उन्हें भुट्टो की मंशा का अंदाजा है। इसके आगे की बात होती उससे पहले ही पाकिस्तान की तरफ से एक सिग्नल की जरूरत थी। जल्द ही सिग्नल आया भी। पाकिस्तान पहुंचते ही भुट्टो ने मुजीब की सजा माफ करते हुए उन्हें रिहा किया, जैसे की बात हुई थी। पाकिस्तान से लंदन होते हुए 10 जनवरी को मुजीब भारत पहुंच भी गए। भारत में मुजीब ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कुछ समझौते हुए, यानी कि नया बांग्लादेश और भारत। और उसी दिन मुजीब ने बांग्लादेश पहुंचकर एक नए राष्ट्र की नींव रख दी और इंदिरा का उद्देश्य हो गया पूरा, वो सर्कल पूरा हो गया। शशांक लिखते हैं कि मुजीब को रिहा करवाना जरूरी था, इसलिए इंदिरा युद्धबंदियों को रिहा करने के लिए राजी हुई। हालांकि कुछ और मसले भी थे। ये बात सच थी कि युद्धबंदी भारत पर आर्थिक बोझ साबित होते हो भी रहे थे। साथ ही अमेरिका और सोवियत यूनियन का प्रेशर तो था ही, उसको पूरी तरह से आप डिनाई नहीं कर सकते। हालांकि मुजीब की रिहाई सिर्फ एक दिखावा साबित हुआ। अगस्त 1975 में पाकिस्तान परस्त फौज के अधिकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान के घर में घुसकर परिवार समेत उनकी हत्या कर दी। भारत में इमरजेंसी का दौर तब शुरू हो गया था। इसके बावजूद
आरएनएडब्ल्यू की तरफ से कुछ महीने पहले मुजीब को चेतावनी दी गई थी कि उनके तख्ता पलट की कोशिश चल रही है। इसके बावजूद मुजीब कुछ कर नहीं पाए, महज 3 साल में बांग्लादेश तानाशाही की गिरफ्त में चला गया। भारत के परिप्रेक्ष्य से शिमला समझौता एक घाटे का सौदा बताया जाता है, कश्मीर समस्या ज्यों की त्यों रही। अंत में एक चिट्ठी का किस्सा और है, वो भी आपको बताते हैं, जिसका जिक्र शशांक ने किया। 16 दिसंबर 1971 को लिखा यह खत जस्टिस अबू चौधरी ने इंदिरा गांधी को लिखा था। जस्टिस चौधरी आगे जाकर बांग्लादेश के राष्ट्रपति हुए। जस्टिस चौधरी को जब पता चला कि इंदिरा एक तरफा सीज फायर का ऐलान करने की सोच रही हैं, उन्होंने इंदिरा के नाम संदेश में लिखा कि अगर आप कोबरा की पूंछ कुचल देते हैं तो उसका सिर 10 गुना जहरीला हो जाता है। जस्टिस चौधरी चाहते थे युद्ध बीच में न रुके, लेकिन यह खत प्रधानमंत्री के डेस्क पर एक दिन देरी से पहुंचा। उसके आगे जो हुआ वो आप जानते हैं। इसी के साथ आज की तारीख यहीं पर समाप्त होती है। इसे लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे साथी पंकज ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।